सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव शर्मा। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है फिर से। आज है 12 जुलाई मंडे और सुबह के बजे 8। बाकी अभी ब्रेकफास्ट का इंतज़ार हो रहा है, तो मैं जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा था तब तक यहाँ पे ऊपर आ गया नज़ारे देखने के लिए। और रात भर बारिश हुई है और अभी सुबह क्या मस्त मौसम खुल चुका है, मतलब ओहो हो लाजवाब नज़ारे है। और कल जो ड्राइवर बोला था एकदम सच बोला था कि मुंबई का फैशन और बीवी का मूड और गुलमर्ग का मौसम कभी भी बदल सकता है। सच बात थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आज का प्लान पूरा चौपट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती गई वैसे वैसे मौसम खुलता गया और हो वाह वाह वाह, मतलब सच में जन्नत है, सच में जन्नत। मतलब कश्मीर तो एक बार आना ही चाहिए लाइफ में, आप लोग को कुछ भी हो जाए कश्मीर आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी टाइम लैप्स देखो और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर गोंडोला राइड के लिए निकलेंगे। अभी गोंडोला राइड क्या है वो आप लोग को तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। तब तक के लिए जो माहौल है वह इंतज़ार, उसका क्या बोलते हैं, लाभ उठाओ। तो रोपवे को यहाँ पे गोंडोला राइड बोलते हैं और यहाँ पे ऐसा है कि फेज़ 1 फेज़ 2 है। तो फेज़ 1 मतलब यहाँ तक है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो फेज़ 1 का 740 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। फिर फेज़ 2 का 960 है, उसका टिकट आपको यहाँ से आके लेना है। लेकिन टिकट का ऐसा सीन है कि यहाँ पे गाइड लोग रहते हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपके लिए टिकट ले लेंगे। ऊपर वैसे गाइड की कोई ज़रूरत है नहीं। ये कैसा है कि आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना है तो आप गाइड ले सकते हो, आपके लिए टिकट ले लेंगे क्योंकि उनका अलग काउंटर रहता है। लेकिन आज कैसा था, उनका काउंटर खुला नहीं था तो वो लोग हम लोग की लाइन में घुसे हुए थे। फिर वो लोग बीच में ही 1 2 4 गाइड सब मिलके 15-20 टिकटें लेते हैं, उसकी वजह से टिकट का मारा मारी हो जाता है यहाँ पर। लेकिन ठीक है, टूरिस्ट कम है तो उसके वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फेज़ 1 में रहो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो। मैंने देखा लोग आ रहे हैं यहाँ पर, फेज़ 1 तक आ रहे, फिर फेज़ 2 के लाइन में खड़े रह रहे हैं तो एंजॉय करने का कुछ टाइम मिल ही नहीं रहा है इसमें। तो उससे अच्छा है कि फेज़ 1 आओ, एंजॉय करो, फेज़ 2 जाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अभी यहाँ के जो टाइम लैप्स मैंने लिए वो देखो घर पे बैठ के आराम से। ठीक है।